कन्हैया जी, सबसे पहले नमस्ते। आप जहां से हैं हम भी वहीं से हैं। तो सही में मैं काफी खुश हुई आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपने जो बोला वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू। आई अग्री टू दिस फैक्ट। मैं मानती हूं, पूरे तरीके से मैं आपसे सहमत हूं आपने जो कुछ भी कहा। इसमें मैं एक चीज बोलूंगी, मुझे ये नहीं पता यहां बैठे हुए कितने लोगों को सिद्धार्थ के बारे में पता है, लेकिन हर किसी को गौतम बुद्ध के बारे में जरूर पता होगा। गौतम बुद्ध एक वो इंसान जो एक आधी रात में अपनी बीवी यशोधरा, अपने बेटे राहुल को छोड़ के घर से निकल गए खोज में शांति के, जिनको आज के डेट में हर कोई बुद्धिज्म को मानता है, फॉलो करता है। उसी तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूं या ऐसा कुछ है। आई एम न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ दैट। अगर क्वेश्चन इज दैट, जब एक इंसान घर छोड़ के आधी रात को निकल रहा है, सिद्धार्थ से वो बुद्ध, गौतम बुद्ध बन सकता है, तो अगर कोई दूसरा इंसान अपने घर से अपनी बीवी को छोड़ के अगर निकला है, तो उसके पर्सनल लाइफ पे Let's listen to the question, please. उसके व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके आगे बढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? आपने जो बाद में चीजें बोली वो करना सही है, वो आगे बढ़ना सही है, हम वही मानते हैं, लेकिन क्या फायदा है किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके? उससे हम कहां तक पहुंच सकते हैं? सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप वहीं से हैं जहां से मैं हूं। मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना। हिंदुस्तान है, कहीं के भी हो सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बात आपने कही है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये मेरी बात नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और जो मूल प्रश्न है आपका कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक वो जीवन व्यक्तिगत है, और वो जीवन व्यक्तिगत कैसे नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं। मेरी माँ है, आपकी भी माँ होगी, हम सबकी माँ है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा तीर मार दिए हैं और आप कुछ नहीं अपने जीवन में किए हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक स्ट्रगल करता है, लेकिन जब उसका मार्केटिंग किया जाता है, इसको आप समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी मां 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की मां को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये सार्वजनिक बात है। और ये सार्वजनिक बात जब है तब उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। उस मां को मैं नमस्कार करता हूं, मैं अपना आदर प्रस्तुत करता हूं उनको, उस मां के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो नालायक बेटा है, उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने मां का इस्तेमाल करता है, तब हमको उस पर सवाल करना चाहिए, हमको सवाल पूछना चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे तो डर लग रहा था। मैंने एक फोटो मोदी जी का उनकी मां के साथ देखा, हमको लगा कि कहीं ये ना पूछ रहे हो, देखो मां राफेल के बाद मामला बहुत गर्म है, एक दिन बॉर्डर घूम के आ जाओ ना हमारे साथ। इसको आप समझिए, मुझे इस बात से दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियां छोड़ दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम तलाक पे कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। आप यदि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो बिना तलाक दिए ही जिनको छोड़ करके भाग गए हैं लोग, उनका क्या? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो इतने साल से राजनीतिक जीवन में हैं, ये पत्नी का सवाल कब उठ करके सामने आया है? जब चुनाव आयोग ने कहा कि यदि आप शादीशुदा हैं तो उस कॉलम को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उस कॉलम को आपको भरना पड़ेगा। और ये क्या होती है, ये एंटी विमेन मानसिकता जो है, मैं उसके खिलाफ हूं और उससे जोड़ करके मैं देखता हूं। और उसको आप समझिए मैं कैसे देखता हूं, व्हाट्सएप पे आपके ऊपर मैसेज आएगा पत्नियों के खिलाफ, तमाम तरीके का मैसेज जो है वो आएगा, उसमें औरतों के खिलाफ और पत्नियों के खिलाफ आपको मैसेज मिलेंगे। अगर शादी इतनी ही बुरी चीज है
अगर शादी करने वाले सारे लोग खराब ही होते हैं, जो भी शादी करता है वो समाज में लूटता है और लूट मार मचाता है, तो मुझे बताइए गब्बर सिंह की तो शादी नहीं हुई थी, वो किसके लिए लूट रहा था? असल मुद्दा यह है कि जो शादीशुदा जिंदगी जीने वाले लोग हैं, अपने जो जीवन के जद्दोजहद में वो लगे रहते हैं, उस बात को डिमीन करने के लिए, उस बात को नीचा दिखाने के लिए, और इस बात को बढ़ा चढ़ा करके स्थापित करने के लिए कि यदि हम शादीशुदा नहीं किए हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ईमानदार हैं, क्योंकि हम किसके लिए चुराएंगे। और ये कोई मोदी जी की बात नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब भी यही कहा गया था कि अटल जी किसके लिए चुराएंगे, क्योंकि उनको तो कोई है ही नहीं, वो शादी ही नहीं किए हैं। फिर मोदी जी के लिए यही बोला गया कि वो शादी ही नहीं किए हैं, वो किसके लिए चुराएंगे, और अब योगी जी के लिए बोला जा रहा है कि वो शादी ही नहीं किए हैं तो किसके लिए चुराएंगे। मतलब इस देश में जो लोग शादी कर लिया है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करता है। चंबल के जितने भी डाकू हैं वो शादीशुदा नहीं है, वो क्यों लूट रहे हैं ये मुझे समझा दीजिए। ये जो औरत के खिलाफ मानसिकता है, औरतों के खिलाफ जो मानसिकता है, हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं। क्यों हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमको बताइए? अगर हमने शादी की है तो कोई अपराध किया है क्या, कोई पाप किया है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने शादी की है? हम इसलिए छुपाते हैं ताकि वो जो हमारा मार्केटिंग है उस मार्केटिंग का पॉइंट कम हो जाएगा। और ये जो मार्केटिंग के पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे हमको किसी इंसान को नहीं जज करना है, हमको उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री के बतौर क्या काम है इस पे हमको जज करना है। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जो वो काम नहीं किए हैं, इसी बात को डाइवर्ट करने के लिए वो माता और पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। कौन ऐसा बेटा होता है मुझे बताइए तो, माँ का पैर छूते हुए फोटो खिंचवाता है, कैमरा लेकर के माँ से मिलने के लिए जाता है? कौन ऐसा बेटा होता है? इस बात को समझिए, मैं उस साजिश के खिलाफ हूं कि जब कोई इंसान अपनी अपनी जो हकीकत है उसका मार्केटिंग करके सवाल को गुमराह करने लगे, तो इस साजिश को हमको समझना चाहिए। और इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मसलन कोई भी व्यक्तिगत जो बयानबाजी होती है व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो बात व्यक्तिगत हो। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई बात है तब उस पर बात बोली जाएगी। हेलो कन्हैया जी, लाल सलाम। कन्हैया जी, मेरा मैं थोड़ा सा ओपिनियन रखूंगा, फिर मैं सवाल बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, जल्दी से सवाल कीजिएगा, बहुत जल्दी, सीधे सवाल पे आइए। ओके, कन्हैया जी, आप देखते हैं पूरी दुनिया में धर्म के नाम पे आज अहिंसा फैल रही है, और धर्म जो मतलब कह सकते कि नॉन वायलेंस की बात करता है, लेकिन उसके नाम हिंसा फैलाई जा रही है। तो इस धर्म के नाम पे जो हिंसा होती, तो उसको रोकने का सबसे अच्छा काम कम्युनिस्टों ने किया है। तो आप एज ए कम्युनिस्ट, मैं आपको मानता हूँ, लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो आपको ये इस धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जो लोग पावर में आ गए हैं धर्म के नाम पे और हिंदू धर्म को बदनाम, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि आप इस कम्युनिस्ट, एज ए कम्युनिस्ट, क्या आप आइडियोलॉजी गांधी जी की फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए, या लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे? एक बार जो है, देखिए सवाल जो आपने पूछा है बहुत सुंदर सवाल पूछा है, और जैसे वो उस महिला ने सवाल किया ना कि सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता है, महात्मा बुद्ध को हर कोई जानता है। वो इसलिए जानता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए थे। एक ही घटना को दोनों तरीके के तर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक शादी नहीं किए होते, जब तक गृहस्थ जीवन का सुख नहीं लिए होते, तब तक सन्यासी नहीं बन पाते, सेम घटना। और दूसरा, जो गृहस्थ जीवन में फंस जाता है वो सन्यासी नहीं बन पाता है, सेम घटना को अलग अलग तर्क से इस्तेमाल किया जाता है। और शादी की जहां तक बात है, मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा, तो कालिदास तो शादी करने के बाद कालिदास बने थे ना, ये सवाल नहीं है, शादी मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा क्या है उस पर हमको पहुंचना चाहिए। ये जो हम लोग बाइनरी बनाना शुरू कर दिए हैं ना, ये बाइनरी हम अपने दिमाग में क्यों क्रिएट करते हैं, इस हकीकत को समझिए। ये एक डिजाइन के तहत हमारे दिमाग को ट्रेंड किया जा रहा है कि हम हर चीज को युग्म में देखें, बाइनरी में देखें। मसलन आप टीवी चैनल खोलिए तो उसमें बीच में आपको एक रेफरी मिलेगा, 3000 पे एक इधर से जो है फाइटर रहता है, और 3000 पे उधर से एक फाइटर रहता है, और एक हिंदू की तरफ से फाइट करेगा और दूसरा मुसलमान की तरफ से फाइट करेगा, और गेटअप भी पूरा तैयार करके आता है, बड़ी सी दाढ़ी, टोपी, बड़ा सा चंदन, पूरा गेटअप में आता है।
और बीच में वो एंकर जो है वो रेफरी बना हुआ है और आपको हिंदू मुसलमान का फाइट चल रहा है। वो चैनल बदलेंगे तो WWF पे वही हो रहा है, दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं और एक रेफरी बना हुआ है। उसके बाद अगर आप किसी अपने जीवन के दूसरे स्फीयर में जाएंगे तब भी आपको यही फाइट दिखाई देगा, मसलन अरे ये तो मोदी जी का समर्थक है, अरे ये तो मोदी विरोधी है, ऑफिस डिवाइडेड है। घर में जाइए तो आपका डिनर टेबल डिवाइडेड है, पापा मोदी जी के समर्थक हैं, मम्मी मोदी जी की विरोधी हैं। मतलब इस तरीके का डिवीजन आपको हर जगह दिखाई मिलता है। ये जो डिवीजन है ये डिवीजन गलत है, जीवन ऐसा नहीं होता है। जीवन में दिन और रात के बीच में एक ऐसा वक्त होता है जो ना दिन होता है ना रात होता है। लाइफ में चीजें हमेशा ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, वो ग्रे भी होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट मोड ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया है कि इसमें ब्लैक भी है और इसमें व्हाइट भी है और इसमें ग्रे एरिया भी होता है। तो आप जो आप ये कह रहे हैं कि धर्म की वजह से हिंसा होती है, मैं ये नहीं मानता हूं। धर्म के लिए हिंसा होती है और हिंसा को टिकाए रखने के लिए धर्म और आस्था का इस्तेमाल होता है। ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और ये जो संबंध है, ये जो मैंने आपको बार बार कहा कि जो इनइक्वलिटी है, उस इनइक्वलिटी को टिकाए रखने के लिए धार्मिक और जातीय बहस को जबरदस्ती जिंदा किया गया है। जो हिंसा है इसके आधार पे उसको जबरदस्ती जिंदा किया गया है ताकि इनइक्वलिटी और लूट जो है देश में वो आपको दिखाई नहीं दे। इस देश में एक कंपनी है जो कंपनी प्रत्येक दिन पिछले एक साल में 300 करोड़ रुपया कमाई है, रोज 300 करोड़ रुपया कमाई है। और आपको ये लगे कि अरे वो तो भाग्यशाली है क्योंकि उसकी माँ का कोख जो है वो VIP है और हम तो भाग्यशाली नहीं है क्योंकि हमारी माँ का कोख VIP नहीं है। जबकि आपकी माँ ने भी आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसकी माँ ने भी आप उसको जो है 9 महीने ही कोख में रखा होगा, लेकिन वो VIP हो गया पैदा होते ही और हम जो है दलित हो गए पैदा होते ही। ये जो डिफरेंसेज है, इस डिफरेंसेज को टिकाए रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता है। वरना आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को जाकर के पढ़ लीजिए, वो मानवता की बात करता है, मानव मुक्ति के कल्याण की बात करता है। लेकिन ये सवाल आज हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे सामने सवाल क्या आते हैं, जैसा आपने प्रश्न किया वैसा ही एक प्रश्न मुझे पूछा गया। एक मुसलमान लड़के ने कहा कि लोग मुझे बार बार कहते हैं कि कुरान मानते हो कि संविधान मानते हो। तो हमने उसको कहा था कि ये संविधान ही आपको आपका कुरान मानने की इजाजत देता है और आपका कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश का कानून सबसे ऊपर होता है। तो मुझे बता दीजिए कि एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी कहां है। ये गीता क्या कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। तो मेरे लिए पूजा क्या होगा, मेरे लिए पूजा मंदिर में जाकर के घंटी बजाना नहीं होगा। मेरे लिए पूजा ये होगा कि हम सही तरीके से पढ़ें, ईमानदारी से PhD करें और ईमानदारी से अपनी PhD लिख करके जमा कर दें, हम कर दिए हैं। जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए कर्म क्या होगा कि वो ईमानदारी से मीडिया का जो एथिक्स है उसको फॉलो करें। जो जवान है उनका कर्म क्या है कि वो बंदूक लेकर के सीमाओं की रक्षा करें। जो किसान है उनका कर्म क्या है कि वो अनाज पैदा करें। आज देखिए कि ये सारे लोग ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इस कर्म की बेईमानी कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, नौकरशाह हो या इस देश के पूंजीपति हो, कर्म की बेईमानी को टिकाए रखने के लिए धर्म की हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए और ये बात जब हम समझने के लिए तैयार हैं तो हमको इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि आज के समय में हिंदुस्तान को सिर्फ गांधी की ही जरूरत नहीं है, गांधी के साथ भगत सिंह की भी जरूरत है, अंबेडकर की भी जरूरत है और लेनिन की भी जरूरत है। ये बात हमको समझना चाहिए। इसीलिए कन्हैया कुमार के लिए या हमारे जमाने के जितने भी नौजवान हैं उनके लिए कोई एक व्यक्ति की एक विचारधारा से उनके सारे सवाल हल हो जाएं ये जरूरी नहीं है। हमको हमारे दौर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान हमारे इतिहास और इतिहास के जो महामानव हैं उनके लिखे हुए विचारों में ढूंढना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है कि जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता है। इसीलिए हम कभी भी दो जो महान व्यक्ति हैं उनके बीच में कुश्ती लड़वाने के खिलाफ हैं। हम अंबेडकर जी का और गांधी जी का रेसलिंग नहीं कराना चाहते हैं। कुश्ती प्रतियोगिता चल रहा है कि दोनों में रेसलिंग लड़ा करके जो जीतेगा उसके विचार को मानेंगे। जहां गांधी सही हैं वहां गांधी को मानेंगे, जहां अंबेडकर के विचार हमको सही लगते हैं वहां अंबेडकर को भी मानेंगे। क्योंकि हमको हमारे वक्त का अंबेडकर भी बनना है, गांधी और भगत सिंह भी बनना है, फातिमा और फूले भी बनना है, बिरसा भी बनना है और लेनिन भी बनना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।